दोस्तों, आपने बचपन में हजमोले की खट्टी मीठी गोलियां तो खाई होंगी, क्योंकि इनका स्वाद एकदम चट्टाकेदार होता है, जिससे इसे खाने की चाहत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और क्या पता आप अभी भी इन गोलियों को खाते होंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं पता तो डोंट वरी, आई एम हेयर टू टेल यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले जीरे को भून लिया जाता है। अब भुने हुए जीरे वाले कंटेनर के अंदर कंपनी के कुछ सीक्रेट मसाले डाले जाते हैं, जिससे इसमें खट्टेपन और मीठेपन का स्वाद आता है। अब इन दोनों के मिश्रण को एक बड़ी सी मिक्सी के अंदर डाला जाता है, जो इसका पाउडर फॉर्म बना देती है। पाउडर फॉर्म बनने के बाद इसे एक खास तरह की मशीन में डाला जाता है, जो इस पाउडर फॉर्म को गोलियों में तब्दील कर देती है। पर दोस्तों, अभी लास्ट काम तो रह ही गया, वो चीज है इसकी पैकेजिंग। अब यह गोलियां एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरती हुई एक गोल मशीन में चली जाती हैं। यह मशीन गोलियों को अलाइन करके हाजमोले के पैकेट्स में इक्वल क्वांटिटी में डाल देती हैं। अब इन पैकेटों को सील कर दिया जाता है, ताकि बाहर की हवा की वजह से यह खराब ना हो। अब यह लास्ट में कन्वेयर बेल्ट से गुजरती हुई हाजमोले के डिब्बे में गिरती है, और आधुनिक मशीन इन डिब्बे को पैक कर देती है। दोस्तों, अभी हाजमोले की डिब्बियां आपके घर की पास के दुकान में आने के लिए तैयार हैं। अब आप जाइए और इनका लुत्फ उठाइए, और कमेंट करना ना भूलें कि हाजमोले में से आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा फ्लेवर कौन सा है। धन्यवाद।